दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण में रोज नया रिकॉर्ड उछाल दिखा जा रहा है। कोरोना से महाशक्ति अमेरिका भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका में कोरोना के मामले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 24 घंटे में अमेरिका से रिकॉर्ड 70,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक 31,83,856 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं दुनिया भर में अब तक जानलेवा कोरोना वायरस से 1,24,61,962 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से दुनिया भर में 5,59,60,481 लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से इलाज के बाद 68,35,987 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्रिटेन में दर्जनों देशों से आने वाले यात्रियों को अब 2 सप्ताह तक सेल्फ आइसोलेट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्रियों को ये राहत शुक्रवार से दी गई है। शुक्रवार सुबह से फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जर्मनी और अन्य दर्जनों देशों से ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों को अब 14 दिन तक आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 विशेषज्ञ कोरोना की वैश्विक महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक बड़े अभियान के तहत अगले 2 दिन चीन की राजधानी बीजिंग में बिताएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि एक पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक महामारी विज्ञानी अपनी यात्रा के दौरान भविष्य के अभियान के लिए काम करेंगे, जिसका मकसद ये पता लगाना है कि विषाणु पशुओं से मनुष्यों तक कैसे फैले। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।